किसी की सेल्स 63% गिर गई तो कोई बढ़ गया 89% और किसी की सेल तो इतनी बढ़ी 254%। आखिर हुआ क्या है इस अक्टूबर मंथ में, कुछ तो कमाल दिखा ही गया। आज जानते हैं टॉप 25 कार्स कौन कौन सी रही हैं और टॉप मैन्युफैक्चरर्स कौन से रहे हैं, क्योंकि उलटफेर तो बहुत हो गया। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करते हैं कि टॉप मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन रहे। 15वें नंबर पर फोर्ड मोटर्स। हाँ, इंडिया छोड़ गई लेकिन पिछले साल की सेल्स फिगर आइडिया दे रही हैं, जो कि 7,084 यूनिट था। फोर्ड ने बेमतलब में कई मैन्युफैक्चर जो उससे काफ़ी कम कारें बेच रहे थे उनको वॉकओवर का मौका दे दिया और खुद बाहर निकल गई। 14 पोजीशन पर है सिट्रन 64 यूनिट। 13 पोजीशन पर है जीप कंपास का FCA ग्रुप 1,324 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 59% ग्रोथ मिली है, यानी नई वाली जीप कंपास रियली अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब बात करते हैं 12th पोजीशन पर है MG मोटर्स 2,863 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 23% की इनकी सेल गिर गई है। MG रीजन साजो की बात है, शायद लगता है हेक्टर इन सब पे थोड़ा असर दिखा है। 11th पोजीशन पर स्कॉडा 3,065 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 115% की ग्रोथ मिली है थैंक्स टू कुशाक और सोशल मीडिया, जिसने कुशाक को काफ़ी पसंद भी किया। 10th पोजीशन पर है फॉक्स वैगन 3,077 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 49% की ग्रोथ मिली है। 9th पोजीशन पर है निसान 3,913 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 254% की ग्रोथ मिली है। मैग्नेट ने रियली बम्पर सेल दे दी। 8th पोजीशन पर होंडा 8,108 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 25% की सेल गिर गई है। 7th पोजीशन पर है रेनो 8,910 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 19% की सेल इनकी भी गिरी है, कमाल। 6th पोजीशन पर है टोयोटा, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। 12,440 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले मामूली सी आधा परसेंट का सेल बढ़ गई है। 5th पोजीशन पर है किया 16,331 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 22% की सेल डाउन हो गई है। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा 20,034 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 9% की सेल बढ़ गई है। 3rd पोजीशन पर आ गई है टाटा मोटर्स। आ गई है या मैं कहूँ चिपक गई है, ये सही वर्ड रहेगा, क्योंकि इस साल वो 3rd पोजीशन पर ही बनी रही 33,926 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 44% की बढ़त मिली है। 2nd पोजीशन पर है हुंडई। ताजुब की बात यह है कि मामूली सी आगे है हुंडई टाटा से, मामूली सी। अगर ये समस्या सॉल्व नहीं हुई सेमीकंडक्टर्स वाली तो हुंडई पीछे भी हो सकती है। 37,021 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 34% की सेल गिर गई है। 1 पोजीशन पर है मारुति सुजुकी 1,08,991 यूनिट। पिछले साल बेचे थे 1,63,654 यूनिट और ये 33% की सेल कम हो गई है। कमाल की बात समझिए कि सेल उन मैन्युफैक्चरर्स की कम हुई है जिन्होंने सोशल मीडिया पर गौर नहीं किया, अखबार टीवी और इन सब चीज़ों में ऐड देने में पैसे बर्बाद किए, उनकी सेल पर असर दिख रहा है। मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ, और जिन्होंने सोशल मीडिया का अच्छे से कैंपेन का सहारा लिया, इनमें टाटा मोटर्स है, महिंद्रा भी थोड़ा बहुत सहारा ले रहा है, निसान ने भी थोड़ा सा सहारा लिया है, रेनो थोड़ा सहारा ले रहा है, ये लोग काफ़ी कुछ अच्छा कर जा रहे हैं। और जो अभी भी टीवी और अखबारों में पैसे बर्बाद कर रही हैं कंपनीज, वो सेल नीचे जाती जा रही है। यानी सोशल मीडिया नया किंग बन चुका है। मैन्युफैक्चर संभल जाओ, नहीं तो तली में पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं बचने वाला है। चलिए अब बात करते हैं टॉप 25 कार्स कौन कौन सी है। 25th पोजीशन पर है XUV 700, पिछले साल आती नहीं थी 3,407 यूनिट। पहले 6 महीने हनीमून पीरियड के होते हैं तो उस हिसाब से सेल बहुत अच्छी है, वैसे भी इसकी आगे भी अच्छी रहेगी क्योंकि गाड़ी काफ़ी अच्छी है। 24th पोजीशन पर है होंडा सिटी 3,611 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले 12% सेल गिरी है। 23rd नंबर पर है टियागो 4,040 यूनिट। पिछले साल थी 6,683 यूनिट, यानी 34% की सेल गिर गई है थैंक्स टू पंच, जिसने टियागो को भी मार ही दिया एक पंच।
22nd नंबर पर है XUV 300 4200 यूनिट 14% सेल इसकी भी गिर गई है। 21 पोजीशन पर है i20 4414 यूनिट पिछले साल बेचे थे 8399 यूनिट यानी इसकी सेल अच्छी खासी 47% गिर गई है। एस्प्रेसो 4442 यूनिट बेचे हैं उन्होंने अक्टूबर मंथ में जबकि पिछले साल अक्टूबर मंथ बेचे थे 10612 यूनिट यानी 54% की सेल गिर गई है। इस साल के सबसे बड़े गेनर है XL6 4602 यूनिट पिछले साल इन्होंने बेचे थे 2439 यूनिट यानी 89% की ग्रोथ मिल गई है इनको जो इस टॉप 25 की सबसे बड़ी ग्रोथ है। अब बढ़ते हैं 18th पोजीशन पर है टाटा अल्ट्रोस 5128 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 24% सेल इनकी भी गिर गई है यानी पंच ने अल्ट्रोस को भी बक्सा नहीं है। इसके अलावा थोड़ा तो स्विफ्ट को भी खाया है और मुझे लगता है थोड़ा टाइगर और मैग्नाइट को भी पंच ने किक किया है। चलिए अब बढ़ते हैं 17th पोजीशन पर है सोनेट 5443 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 54% की सेल गिर गई है जबकि उस समय थी 11721 यूनिट। 16th पोजीशन पर i10 नियोस 6042 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 57% सेल इसकी भी गिर गई है। कमाल है यानी सेल पर असर तो इस पर भी पड़ गया है। 15th पोजीशन पर इनोवा कस्टा 6096 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 36% की सेल बढ़ गई है। ताजुब की बात है जबकि इनोवा की सेल नॉर्मली फरवरी और मार्च के मंथ में अच्छी आती है बाकी मंथ में ओके रहती है लेकिन इस बार इनोवा बहुत अच्छा कर गई है। गुड जॉब। अब बढ़ते हैं महिंद्रा 14th पोजीशन पर है बोलेरो के साथ 6375 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 16% सेल इसकी भी गिर गई है और 13th पोजीशन पर है क्रेटा 6455 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 54% की सेल गिरी है जब इन्होंने बेचे थे 14023 यूनिट। कमाल की बात है। 12th पोजीशन पर है विटारा बेजा 8034 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 34% की सेल गिर गई है जबकि 11th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की डिजायर 8077 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 54% की सेल गिर गई है जबकि तब बेचे थे 17675 यूनिट। वैसे भी सेडान से बहुत ज़्यादा मार्केट की उम्मीद नहीं रह गई है। इकलौती सेडान है जो एंट्री लेवल सेडान जो कि टॉप 25 में मौजूद है। 10th पोजीशन पे है आते ही टॉप 10 में एंट्री पंच 8453 यूनिट बेचे। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी टियागो को पंच मारा थोड़ा अल्ट्रोज को पंच मारा थोड़ा सा पंच i10 और स्विफ्ट को मारा और पहुंच गए 8453 यूनिट। गुड जॉब। अच्छी गाड़ी है इसकी सेल आगे भी अच्छी आएगी हालांकि पहले 6 महीने हनीमून पीरियड के रहते हैं वो पंच के साथ भी रहेंगे यानी पहले बुकिंग वाला ये सब चक्कर की सेल मिलेगी उसके बाद असली सेल का पता चलेगा और मुझे उम्मीद है कि इसकी असली सेल भी अच्छी रहेगी। 9th पोजीशन पर है स्विफ्ट 9180 यूनिट पिछले साल बेचे थे अक्टूबर मंथ में 24589 यूनिट यानी 63% सेल गिर गई है। बहुत जबरदस्त नीचे हुई है सेल शिफ्ट की। 8th पोजीशन पे है नेक्सॉन 10096 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 47% सेल बढ़ गई है थैंक्स टू इको स्पोर्ट। वही सेल है जो इको स्पोर्ट ले जाती थी वही अमाउंट सीधा सीधा जाके नेक्सॉन पे चिपक गया है और वजह फायदा मिला है सोशल मीडिया का। अब बढ़ते हैं 7th पोजीशन पर है इको 10320 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 22% की सेल गिर गई है और वैसे भी इको में कॉमर्शियल व्हीकल की भी सेल शामिल है। अब बात करते हैं सेल्टॉस 6th पोजीशन पर है किया सेल्टॉस 10488 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 18% की मामूली बढ़त मिली है। मामूली ही कहेंगे 18% कोई बड़ी बढ़त नहीं है लेकिन ठीक। 5th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू 10554 यूनिट और इनको 20% की बढ़त मिली है। अब बात करते हैं 4th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी वैगन आर 12335 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 34% सेल गिर गई है उसके बावजूद यह टॉप 5 में मौजूद है।
थर्ड पोजीशन पे है आर्टिका 12,923 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 67% की ग्रोथ मिली है और यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रोथ है। और आर्टिका और एक्सल 6 को ही दोनों सबसे बड़ी बड़ी ग्रोथ मिली है, यानी लोग सेवन सीटर कार फैमिली सेवन सीटर खरीदने में इंटरेस्टेड है। फिर ट्राइबर का क्या हुआ, बोलेरो नियो को सेल क्यों नहीं मिली, मैरेजर को वो सेल क्यों नहीं मिली जिसके वो एक्चुअल में हकदार देख रहे थे, बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं टॉप टू में। सेकंड नंबर पर बलेनो 15,573 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 29% सेल गिरी है, तब थी 21,971 यूनिट। बलेनो को झटका लगना है और उसका रीजन एक और भी है कि मार्केट में यह जानकारी दी जा रही है कुछ लोगों की तरफ से कि बलेनो का फेसलिफ्ट ड्यू है, हो सकता है इसलिए लोग ना खरीद रहे हों, या और भी कई रीजन हैं क्योंकि अब लोगों का ध्यान एसयूवी पर ज़्यादा हो गया है। नंबर वन पोजीशन पर इंडिया की सबसे चहेती कार आल्टो 17,389 यूनिट, पिछले साल भी इन्होंने 17,850 यूनिट बेचे थे, मामूली से 3% की सेल कम हुई है, लेकिन ये आल्टो है, इस प्राइस ब्रैकेट में दूसरी कोई कार आती नहीं है, तो हिंदुस्तान की आम जनता को अपने सपने पूरे करने का हक है और उस हक को पूरा करती है आल्टो, और सपने सबको देखने चाहिए एक कार खरीदने के। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। इस बार के सबसे अच्छे गेनर की बात की जाए तो मारुति ने अपनी आर्टिगा और एक्सल 6 को सबसे ज़्यादा बढ़त दिलाई है कारों में, और दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी सेल दिखी है वो पंच की एक बेहतरीन स्टार्ट है। अब बात करें कार कंपनीज में तो निसान ने बहुत अच्छी ग्रोथ पाई है 254% की, लेकिन यह ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के दम पर है। बाकी बात की जाए तो जीप को अच्छी सेल मिली है, दूसरी अच्छी सेल अगर किसी को मिली है तो स्कॉडा को मिली है, थोड़ी टाटा को भी 43% की ग्रोथ मिली है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और मेरा मानना है ये कंपनी इसी वजह से बेहतरीन परफॉर्म कर पाई, जिनमें टाटा की परफॉर्मेंस का असली रीजन सोशल मीडिया है, उसकी वजह से बहुत अच्छी सेल मिली है। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। क्या सोशल मीडिया नया किंग बन गया है, अब टीवी अखबार पीछे छूट गए हैं, लिखिएगा अच्छा लगेगा आपके विचारों को जानकर, क्योंकि पहले कभी इन्हीं में बड़े बड़े ऐड देके कंपनियां अपनी सेल पा जाती थी। अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिए, इस वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, ये सेल्स फिगर है मैंने सिर्फ बोल के बताई है, मेरा कोई रोल नहीं है किसी भी कार की सेल्स की फिगर में डेंट लगाने का या इंक्रीज करने का, दोनों ही मेरे हाथ में नहीं। आपको ये जानकारी कैसी लगी लिखना ना भूलिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले किसी शानदार वीडियो के साथ, देखते रहिए आस्क कार गुरु।